हेलो गाइस, हाउ यू ऑल। आई होप एवरीवन इज एंजॉयिंग देयर लाइफ। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आपने थंबनेल पे देख लिया है, बेस्ट स्टॉक आफ्टर लॉकडाउन। ठीक है, अगर 17 मई को लॉकडाउन खत्म हो जाता है तो हमें किन स्टॉक में निवेश बनाना चाहिए और कौन से स्टॉक ऐसे हैं जो लॉकडाउन हटते ही दौड़ने लगेंगे। ठीक है, अभी मैंने आपके सामने सेलेक्टेड प्राइस रेंज के हिसाब से कुछ 5-5 स्टॉक को डिवाइड करके आपके सामने लाने जा रहा हूं। मुझे उम्मीद है इसमें एक अच्छा निवेश बना पाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे स्टॉक्स बिलो 50 रुपीज, मतलब ऐसे कौन से स्टॉक है जो 50 रुपए के अंदर है और उनमें हम अपना एक निवेश बना सकते हैं। मैंने इसलिए यहाँ पे प्राइस रेंज को लिया है ताकि हर टाइप का इन्वेस्टर जो है उसके लिए ये वीडियो काम कर जाए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 100 रुपए के अंदर के स्टॉक में निवेश बनाते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो 1000 रुपए तक स्टॉक में या फिर 2000 या 5000 के स्टॉक में भी अपना निवेश बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने 1000 रुपए तक के स्टॉक आपके सामने रखे हैं। अगर आप चाहते हैं इसका पार्ट 2 इस वीडियो का, जो कि 1000 रुपए के ऊपर के स्टॉक हैं, कमेंट में जरूर बता दीजिएगा, मैं उन स्टॉक को भी यहाँ पे लेके आ जाऊंगा सेकंड पार्ट में। अब देख लीजिए, यहाँ पे टॉप 5 स्टॉक बिलो 50 रुपीज की हमने चर्चा की है, जिसमें आप देख सकते हो कंपनी नेम यहाँ पे पूरी आपके सामने रखी गई है और लास्ट ट्रेडिंग प्राइस जो कि 8 तारीख की थी, मतलब लास्ट ट्रेडिंग डे। आज तो हो गई 11 और आज का ट्रेडिंग डे मैंने इसमें कैलकुलेट नहीं किया है। सर, मैं इस वीडियो पे 4 दिन से काम कर रहा था जब ये मार्केट बंद था, तो सभी स्टॉक का एनालिसिसन करके ही मैं यहाँ पे आपके सामने ला रहा हूँ। कोई ऐसे आंख बंद करके मैंने स्टॉक्स को नहीं रख दिया है, मैंने सब स्टॉक का एनालिसिसन किया है, उनकी प्राइस पॉइंट को देखा है, उनकी वॉलेटिलिटी को नजर में रखते हुए और साथ में वॉल्यूम बेस्ड जो स्ट्रेटेजी होती है उसको नजर में रख के मैंने यहाँ पे आपके सामने रखा है कि लॉकडाउन के बाद जो है इनमें इम्पैक्ट हमें थोड़ा दिख सकता है, थोड़ा चेंजेस इसमें जो है वो हमें नजर आ सकता है। सबसे पहली है यहाँ पे साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड, 5 रुपए का स्टॉक है सर, बहुत ही प्यारा स्टॉक है। लॉकडाउन के बाद इसमें निवेश बना सकते हो, लॉकडाउन के एंड होने से पहले पहले आप इसमें पैसा डाल सकते हो। कोई बोल नहीं सकते लॉकडाउन एक्सटेंड भी हो जाए नहीं भी हो जाए, वो अभी भारत सरकार के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मैं यहाँ पे जो डिटेल लेके आ रहा हूँ वो सिर्फ अपने स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है। तो ये स्टॉक जो है सर बहुत काम कर जाएंगे, आप इनको नजर में रखें अगर निवेश ना करना चाहें। अगर आप यूडी ट्रेड को आजमाना चाहते हैं तो इनको नजर में जरूर रखिए, आपको आइडिया आ जाएगा यूडी ट्रेड का जो इवैल्यूएशन है वो काम करता है। ठीक है, सेकंड स्टॉक आप देख लीजिए, ओरियन पेपर एंड इंडस्ट्री लिमिटेड, 18 रुपए का स्टॉक है। और थर्ड IDFC फर्स्ट बैंक, मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाया है डिटेल्ड में, अगर आप चाहें तो हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं, डिटेल्ड वीडियो है। ठीक है, 20 रुपए का अभी प्राइस चल रहा है। उषा मार्टिन में भी आप निवेश कर सकते हैं, 14-15 के आसपास चल रहा है। और NHPC लिमिटेड पे भी आप कर सकते हैं, 20 रुपए का स्टॉक है। ओके गाइस, तो ये हो गए 50 रुपीज के अंदर के स्टॉक। अब बात करते हैं हम स्टॉक्स बिटवीन 50 to 100, यहाँ पे आपके सामने मैंने पूरी डिटेल रख दी है। कैनरा बैंक है 80 रुपए के आसपास। फ्यूचर रिटेल, सर फ्यूचर रिटेल के स्टॉक में निवेश बनाना बहुत ही सही रहेगा इस समय में, क्योंकि आपने शायद शॉपिंग भी की होगी फ्यूचर रिटेल में। ये जो होम टाउन वगैरह जो शोरूम्स है वो सभी इनके ही हैं, फ्यूचर रिटेल के। आपने होम टाउन में ई कॉर्नर भी देखा होगा, वहां पे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम मिलते हैं और होम टाउन में फर्नीचर, होम फर्निशिंग, सभी आइटम रिलेटेड टू होम अप्लायंसेस वहां पे आपको मिल जाएंगे। तो यही है फ्यूचर रिटेल। और ये जो कंपनी है लॉकडाउन में बंद हो चुकी कंप्लीटली, आपको पता है जितने भी शॉपिंग सेंटर है बंद हो चुके हैं। जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा फ्यूचर रिटेल में आपको एक अच्छी ग्रोथ जो है वो देखने को मिलेगी, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे कंसिडर किया है। और आप देख सकते हो इसमें रिसेंटली थोड़ी तेजी भी नजर आई है हमको, लास्ट 4-5 दिनों के अगर डेटा आप देखो। ठीक है, नेक्स्ट स्टॉक जो है हमारा वो है गेल, 91 रुपीज का है। और जिंदल स्टील जो है वो भी अच्छी ग्रोथ देने की संभावना दिखा रहा है। और एक है वेदांता, ठीक है, जो कि 77 पे है। बढ़ते हैं, अगर बात करते हैं अब स्टॉक्स बिटवीन 100 to 300, ठीक है, 300 के अंदर के स्टॉक देख लीजिए सर। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड सबसे पहले मैंने लिया है, ICICI बैंक लिमिटेड सर। सर इसमें निवेश आप अभी कर दीजिए, आज कर देंगे तो भी चलेगा। ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक बिटवीन दिस प्राइस, 337 का स्टॉक है सर ICICI बैंक का, क्यों इग्नोर कर रहे हो उसको। ITC लिमिटेड का मैंने डिटेल में एक वीडियो बनाया था, जैसा कि आप जानते हो ITC और एक्सिस का जो कि SUUTI के जो स्टेक सेल हो रहे हैं उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था, लोगों को बहुत पसंद आया वो वीडियो। तो उसी वीडियो के आधार पे मैं अभी यहां पे इसको कंसीडर कर रहा हूं कि ITC लिमिटेड जो है वो अभी अंडर वैल्यूड है, बहुत ही नीचे आ गया है, बॉटम प्राइस बोल सकते हैं इसको। तो यहाँ से ये उठने के चांसेस हैं और आई थिंक आज के मार्केट डे में ये अच्छा परफॉर्म भी किया है, क्योंकि ये वीडियो जो है मैं मार्केट डे के बाद रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मैंने आज देखा है स्टॉक को परफॉर्म करना चालू कर दिया है। टेक जब भी सेल होगा ज्यादा फर्क नहीं आएगा, क्योंकि स्टॉक में ऑलरेडी फर्क दिख चुका है हमें, 6-7 रुपए का या ज्यादा से ज्यादा 12 रुपए का डिफरेंस आ सकता है, लेकिन आपको एक अच्छी ग्रोथ देके जाएगा। नेक्स्ट स्टॉक जो है अडानी पोर्ट्स, आप देख सकते हैं 285 रुपीज का। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, ये हो गए 100 से 300 के बीच में। अब हम लास्ट स्लाइड पे आ गए हैं और बात कर लेते हैं यहाँ पे स्टॉक्स बिटवीन 300 to 1000। यहाँ पे देख लीजिए हमने 5-star फील्ड से कंसीडर कर दिए हैं, जिसमें सबसे पहले हमने लिया है TVS मोटर को, जो कि 313 रुपीज, 8 मई को था उसका लास्ट ट्रेडिंग प्राइस। गोदरेज कंज्यूमर सर बहुत प्यारा स्टॉक है ये, ठीक है, इसके फाइनेंशियल देखोगे ना तो आँख बंद करके बंदा निवेश कर देगा, ठीक है, ऐसा स्टॉक है ये। और रामको सीमेंट आप देख सकते हैं, लुपिन और SDFC बैंक लिमिटेड, ठीक है, इसको लेना जरूरी था,
इसको लेना ज़रूरी नहीं था, HDFC बैंक में कोई भी निवेश कर देगा, बच्चा भी निवेश कर देगा, लेकिन मैंने इसको लेना बहुत ज़रूरी समझा है अभी यहाँ पे, क्योंकि ये अभी जो बात चल रही है आफ्टर लॉकडाउन की बात चल रही है, ठीक है। तो आप इसको 17, 18, 19 कौन से भी एक दिन में कंसीडर करें, अपने वॉच लिस्ट में रखें सभी स्टॉक, और जितने भी स्टॉक मैंने बताए हैं प्राइस रेंज वाइज, 4 प्राइस रेंज वाइज मैंने बताए हैं, यानी कि 20 स्टॉक मैंने आपके सामने रखे हैं, अगर आप किसी भी एक पर्टिकुलर स्टॉक पे कंप्लीट इवेल्यूएशन यानी कि कंप्लीटली फंडामेंटल और टेक्निकल डिटेल चाहते हैं, अगर आपको डाउट लग रहा है किसी भी एक स्टॉक में, तो कमेंट में जरूर लिखे, उस पर्टिकुलर स्टॉक पे कंप्लीटली एक्सप्लेनेशन लेके आने की कोशिश हम जरूर करेंगे, ठीक है। गाइज यहाँ पे इस वीडियो में कोई भी खास इवेल्यूएशन नहीं था, ना किसी पर्टिकुलर स्टॉक पे हम बात कर रहे थे, यहाँ पे बहुत सारे स्टॉक की बात हो रही है, मतलब 20 स्टॉक की जैसे कि हमने चर्चा की है, तो इन सभी स्टॉक में से किसी 4 या 5 स्टॉक को आप चूज करें और उसमें अपना निवेश बनाए, उम्मीद है आपको एक अच्छी ग्रोथ मिलेगी। और अगर आप चाहते हैं कि इसका सेकंड पार्ट बनाऊं, यानी कि 1000 रुपये के ऊपर के स्टॉक, तो कमेंट में ज़रूर लिखे, मैं कोशिश करूंगा 17 से पहले मैं उसको आपके सामने रख दूं, ठीक है। गाइज इसी के साथ इस वीडियो को करता हूं ख़त्म, और वीडियो खत्म करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक दे देना, ताकि हम ऐसे ही नए कंटेंट के साथ आपके सामने आते रहें। और गाइज मिलते हैं ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।